हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया। माय रोल नंबर इज़ 5336। माय टॉपिक इज़ द लॉज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस दे लॉज द टू फंडामेंटल लॉज विच डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स आर फर्स्ट वन स्टीफन्स बोल्टमैन्स लॉ। स्टीफन बोल्टमैन लॉज की हुंदा आ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the energy that is E emitted by the black body per unit area per unit time is proportional to the fourth power of the absolute temperature। कहिंदे जिहड़ी एनर्जी आ ब्लैक बॉडी दी एनर्जी आ ओह पर यूनिट टाइम द प्रपोर्शनल हुंदी आ टू द फोर्थ पावर ऑफ एबसोल्यूट टैंपरेचर दैट इज़ टी। इट इज़ मैथमैटिकली एक्सप्रैसड एज ई डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टी। दैन प्रपोर्शनैलिटी साइन टू रिमूव ई इक्वल टू सिगमा टैंपरेचर टी द पावर फोर वेयर सिगमा इज कॉल्ड स्टीफन्स कॉन्सटेंट। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ द बॉडी। सिगमा जड़ा आ वो इंडिपेंडेंट हुंदा आ बॉडी दे मटीरियल दे नेचर ते। देन सेकेंड लॉ इज वीन्स डिसप्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिसप्लेसमेंट लॉ इज दिस लॉ वॉज एक्सपैरिमेंटली एस्टैबलिश बाय वीन। एक वीन साइंटिस्ट सीगा ओदे थ्रू एस्टैबलिश होया ये लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वेवलेंथ लैमडा मैक्सिमम फॉर विच देयर इज मैक्सिमम एमिटेंस ऑफ रेडिएशन बाय अ ब्लैक बॉडी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द एबसोल्यूट टैंपरेचर। कहिंदे इस लॉ दे अकॉर्डिंग जिहड़ी मैक्सिमम ऑफ वेवलेंथ आ वो इनवर्सली प्रपोर्शनल हुंदी आ टैंपरेचर दे एबसोल्यूट टैंपरेचर दे। दैट इज डेल्टा मैक्स डायरेक्टली प्रपोर्शनल इनवर्सली प्रपोर्शनल टू वन अपॉन टी। डेल्टा मैक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन टू वन अपॉन टी। डेल्टा मैक्स इंटू टी इक्वल टू कॉन्सटेंट। टी इधर ले आता कॉन्सटेंट इधर आ गया। कॉन्सटेंट टर्म आ गई। द वैल्यू ऑफ कॉन्सटेंट इज फाउंड टू बी 0.2892 सेंटीमीटर केल्विन। मतलब कॉन्सटेंट की वैल्यू कितनी है? कॉन्सटेंट की वैल्यू कितनी है? 0.2892 सेंटीमीटर केल्विन। देयरफॉर वीन्स लॉ कैन बी रिटन एज वीन्स लॉ किदर लिख सकते हैं असी डेल्टा मैक्स इंटू टैंपरेचर टी इक्वल टू 0.2892। इन अदर वर्ड्स वैन द बॉडी इज लोअर टैंपरेचर। इन अदर वर्ड्स जो बॉडी का टैंपरेचर लोअर हुंदा है लो हुंदा है इट अमिट्स रेडिएशंस ऑफ लोंगर वेवलेंथ। ए रेडिएशन जड़ियाँ आ वो लोंगर वेवलेंथ अमिट कर दियाँ आ। एज दी टैंपरेचर इनक्रीज जो टैंपरेचर इनक्रीज हो जाता है दैन वेवलेंथ जी ओमिट करती है रेडिएशन डिक्रीज। जो रेडिएशन जी मिटड होंगे डिक्रीज वेवलेंथ से ठीक है वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है। दिस लॉ एक्सप्लेन वाई द कलर ऑफ अमिटड रेडिएशन चेंजिज फ्रॉम रैड टू ब्लू एज द टैंपरेचर ऑफ द बॉडी इज इनक्रीज। जो बॉडी का टैंपरेचर इनक्रीज हो जाता है तो जड़िया रेडिएशनस आ इन्हों का कलर चेंज क्यों हो जाता रैड टू ब्लू। दैन वीन शोड दैट द मैक्सिमम एनर्जी अमिटेड ई मैक्स जिन्होंने डिनोट करते हैं इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू द फिफ्थ पावर ऑफ द एबसोल्यूट टैंपरेचर। जी ई मैक्स आ वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल हो जाती है एनर्जी जी मैक्सिमम एनर्जी आ और डायरेक्टली प्रपोर्शनल आ फिफ्थ पावर ऑफ द एबसोल्यूट टैंपरेचर। दैट इज़ ई मैक्स डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टी द पावर फिफ्थ मतलब फिफ्थ पावर ऑफ टैंपरेचर। ई मैक्स इक्वल हो जाता है कॉन्सटेंट इंटू टी द पावर फाइव। थैंक यू।